गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। 10:30 से मेरा एग्जाम, तो मैं इस ब्लॉग को इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने न्यू ब्रश लिया है। मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा न्यू ब्रश है। घर में सबको दिखा दिया कि मैंने न्यू ब्रश लिया है, और ये न्यू पेस्ट तो नहीं है बट ठीक है, अनबॉक्सिंग करने का मजा ही कुछ अलग है। गाइज, अभी मेरा 10:30 बजे से एग्ज़ाम है, तो मैं अभी इतनी तेज हूँ, तो 10:30 बजे से एग्ज़ाम है, तो उसके बाद मैं अभी रेडी होती हूँ। गाइस, आप देख सकते हो मेरे टेस्ट में कुछ भी नहीं है। देखिए, मेरा एग्ज़ाम हो गया और बहुत ही ख़राब गया मेरा एग्ज़ाम। मैं बता नहीं सकती कितना ख़राब गया है। मैं आ गई हूँ अपने घर, आप देखो जस्ट मैं अभी आई, तो सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोग से बात कर लेती हूँ। तो कुछ एग्ज़ाम के बारे में बात करनी थी। मेरा एग्ज़ाम एवरेज गया है, ना ज़्यादा ख़राब गया है ना ज़्यादा अच्छा गया है। हमेशा से मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता। स्टडी को मैंने कम टाइम दिया और ज़्यादातर यूट्यूब को टाइम दिया, कम फोकस कर पाई स्टडी पे। तुम फेल भी हो सकती हो, पास भी हो सकती हो, बट मुझे ऐसा, मैं ऐसा कन्फर्म नहीं हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से अच्छे से ट्राई करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अभी मेरा फाइनल एग्जाम होने वाला है। गाइज, आप लोग ऐसे मत करना कि आपका एग्जाम सर पे हो और आप अभी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स फैमिली सबका ध्यान रखो और पढ़ाई भी करो साथ में।